एनवायरनमेंट आज हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करें सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहला टॉपिक देखिए इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 तो so अभी इंडिया का रैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर आया वन आउट ऑफ वन सिक्सटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड तो ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट का ग्रुप है एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क एस डी एस एन अभी जो एस डी एस एन है ये बेसिकली एक एन जी ओ है जो लॉन्च किया गया था इन टू थाउजेंड एंड ट्व देन यू एन सेक्रेटरी जनरल बान की मून अभी तो एंटोनियो गुटरेज है आपको पता ही होगा तो तब इसे चालू किया गया था और एम ये था कि हम जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है उसको मोबालाइज करें ताकि कंट्रीज़ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए तो ये बेसिकली एक एन जी ओ है और इसके अगर मेम्बरशिप की बात करें तो वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड मेम्बर्स हैं इन फिफ्टी नेटवर्क अक्रॉस वन फोर्टी फोर कंट्री बेसिकली एम यही है कि कंट्रीज़ को अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करने में एक प्रॉपर एनालिसिस मिले उनको चैलेंजेस और उनका तो जो सोल्यूशन है वो मिले इस ग्रुप में जियो के थ्रू राइट right. अब रिपोर्ट पे आते हैं तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसके अंदर कुछ की फाइंडिंग्स थे पहले ग्लोबल देखते हैं और फिर इंडिया स्पेसिफिक देखेंगे तो ग्लोबली इन्होंने एक पॉइंट uh, दिया था ये फॉर द सेकेंड ईयर इन आर यानी लगातार दूसरे साल द वर्ल्ड हैज़ मेड नो प्रोग्रेस ऑन द एस डी जीज वर्ल्ड ने कोई प्रोग्रेस नहीं करी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे और उसके लिए एक पैरामीटर दिया था कि क्यों ऐसा हुआ एक पैरामीटर था इसमें इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स स्पिल ओवर इंडेक्स का मतलब यही था कुछ जो रिच कंट्रीज हैं या जो इन्फ्लुन्शियल कंट्रीज हैं उन्होंने या उनके जो डोमेस्टिक इशूज़ थे या उनके जो रीजनल इशूज थे उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ की वजह से वो अपने जो स... बाकी कंट्रीज जो हैं वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव नहीं कर पाई दिस इज़ द इंटरनेशनल स्पेल ओवर इंडेक्स तो पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है अब इंडिया स्पेसिफिक डिटेल्स पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा विजन से गलती हो गया है ये एक्चुअली जो टेबल था इसके अंदर कॉपी कर दिया है लाइक वन से सिक्स जो है वो बार बार कॉपी कर दिया तो ये गलत है इसको एक बार रेफ़र कर लेना ऑल नंबर यहाँ पर सही लिखे हैं और जो रेटिंग है वो भी सही लिखी है तो इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया स्पेसिफिक चीज़ों के अंदर ये बताया गया था कि इंडिया का रैंकिंग थर्ड कन्जेटिव ईयर में फेल किया है यानी तीसरे लगातार साल हमारी जो रैंकिंग है वो गिरी है हमारी रैंकिंग इससे पहले ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर हंड्रेड एंड सेवेंटीन थी फिर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये हंड्रेड एंड ट्वेंटी हुआ और अब वन ट्वेंटी सिक्स हो गया इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू लगातार तीसरे साल हमारी रैंकिंग गिरी है जो हमारे लिए ख़राब बात है अब इंडिया ने कुछ पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर अच्छा परफॉर्म किया तो वो हमें पता होना चाहिए पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्वेल्व एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्टीन तो ये जो ट्वेल्व है ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है वो तो करेक्ट कर लेना ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल कन्जम्पन और नेक्स्ट हमारे पास है एस डी जी थर्टीन तो ये क्लाइमेट एक्शन के ऊपर इन दो पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है अब एक पैरामीटर है जिसके ऊपर हमने खराब भी परफॉर्म किया वो है एच डी जी इलेवन एच डी जी इलेवन जो है वो है सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए ये चीज़ याद रखना सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए है एस डी जी इलेवन यहाँ पर हम लोगों ने वर्स परफॉर्म किया मतलब पहले से भी जो रेटिंग है हमारी खराब हुई है नेक्स्ट बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रह रहे हैं यानी कुछ एरियाज़ में हम लोगों ने इम्प्रूव भी किया है या कुछ एरियाज टेगनेंट है तो मेजर जो पता होना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज़ में इंडिया एंड यू एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क ट्वेंटी थ्री टू ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तो ये एक फ्रेमवर्क हम लोगों ने इस्टब्लिश किया है इंडिया और जो यू एन की जो एजेंसी है उन लोगों ने मिल के ये इस्टबलिश किया है सो बेसिकली ट्वेंटी सिक्स जो एंटिटीज़ हैं यू एन की जो इंडिया के अंदर कुछ अपने प्लान्स प्रोग्राम्स को रन कर रही है उनको हम अलाइन करेंगे इंडिया के जो प्रोग्राम चल रहे हैं जो इंडिया का जो नेशनल एजेंडा है उसके साथ तो so, इसके अंदर फोर पिलर्स रहेगा ट्वेंटी थर्टी के लिए एजेंडा है इसके फोर पिलर्स है पीपल प्रोस्पैरिटी प्लान एंड पार्टिसिपेशन ये जो चार पिलर रहेंगे इस फ्रेमवर्क के और फिर इसके अंदर सिक्स आउटकम है विच इज़ हेल्थ एंड वेलबींग न्यूट्रिशन एंड फूड क्वालिटी एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ फिफ्थ है क्लाइमेट वॉश एंड रेजिलियंस एंड सिक्स एम्पावरिंग पीपल ये जो फ्रेमवर्क है इसके बारे में पता होना चाहिए याद रखना इंडिया यू एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कारपोरेशन फ्रेम की जो जो एंटिटीज़ हैं उनके प्लान्स और और प्रोग्राम्स इंडिया इंडिया के अंदर रन करें। उसको बेसिकली मॉनिटर करेगा की जो है उसके साथ अलाइन अब चलते नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक पे तो है सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट बस ये पता आना चाहिए कि क्या है ये तो ये जो सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट है ये बेसिकली यूएन की जो दो एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन हैबिटेट ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो यहाँ पे ये लोग फंड इस्तेमाल कर रहे हैं जो दिया जा रहा है बाई ग्लोबल इन्वायमेंट फैसिलिटी अब ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ये पाँच सिटीज को कवर करेगा वो है जयपुर मैसूरू विजयवाड़ा गुंटूर एंड भोपाल सो so बेसिकली ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसके अंदर ये हेल्प करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनको बाय सजेस्टिंग सम इंटरवेंशन जिसके थ्रू हम जो है सस्टेनेबल सिटीज़ बना सके तो हम लोगों ने देखा था एसडीजी डी इलेवन के अंदर ही अभी हम लोगों ने खराब परफॉर्म किया है तो उस चीज़ को बेटर बनाने में ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा तो ये पता होना चाहिए सस्टेनेबल सिटी इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम या जिसे हम कॉमनली ह्यूमन हैबिटेट नाम से जानते हैं इसका हेड क्वार्टर जो है नैरोबी कैनिया में है इससे पहले हम लोगों ने यू एन ई पी का भी जो हेड क्वार्टर है वो नैरोबी केनिया में ही देखा था अब ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि हम प्रमोट करें सोशली और इन्वायमेंटली सस्टेनेबल टाउन इन सिटी तो एस जी जी इलेवन जो है वो ब्रॉडली इसी चीज़ के बारे में बात करता है तो याद रखना इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर एक फ्रेमवर्क भी निकाला गया है डेट इज अर्बन सस्टेनेबलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल प्लानिंग इन इंडिया ये याद रखना ये इस पायलट प्रोजेक्ट एसी के अंदर रन किया जा रहा है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अदर सस्टेनेबल हैबिटेट इनिशिएटिव इनिशियटिव रिसेंटली एलेवेंथ वर्ल्ड अर्बन फोरम जो है वो कंक्लूड हुआ है एट कैटवाइज पोलैंड ये जो वर्ल्ड अर्बन फोरम है ये बेसिकली एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को लेके बात की जाती है और इसको ऑर्गेनाइज़ कौन कराता है तो इसको जो यूएन हैबिटेट है जो अभी हमने पढ़ा वही इसको ऑर्गेनाइज कराता है जो वर्ल्ड अर्बन फोरम है ये इस्टेब्लिश होता है टू थाउजेंड वन से और तभी से जो रैपिड अर्बनाइजेशन और उसके जो इम्पैक्ट हो रहे हैं सभी के बारे में डिस्कशन होता है यहाँ पे अब इस फोरम के दौरान हमारे इंडिया से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ और जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है इन लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है इंडिया का नेशनल कोलिशन प्लेटफॉर्म फॉर अर्बन नेचर बेस सोल्यूशन हम जो सस्टेनेबल सिटीज़ हैं उसको कैसे बना सकते हैं यूजिंग द नेचर बेस्ट सोल्यूशन यानी नेचर का इस्तेमाल करके कैसे सस्टेनेबल सिटीज़ बना सकते हैं के बारे में यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जो था वो लॉन्च किया गया आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ग्रेहा तो ग्रेहा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना है इसके बारे में दिस इज ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेड असेसमेंट और अभी रिसेंटली ये जो यूड आई है जो हमारा आधार कार्ड बनाता है के हेडक्वार्टर को ग्रह की तरफ से एक्जेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड जो है ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए मिला है तो इसलिए ये थोड़ा है अब ये जो गृह है ये डेवलप किसने किया है तो दिस इज डेवलप बाई टेरी टेरी जो है प्राइवेट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर और इसको अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग किसी भी बिल्डिंग को अगर आपको ग्रीन बिल्डिंग क्लासीफाई करना है तो गृह का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको ये दो हज़ार सात के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था तो ये बेसिकली किसी भी बिल्डिंग को होलिस्टिकली इवेलुएट करता है ऑन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कि आप कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी आप कहाँ से ला रहे हो नेचर बेस सोल्यूशन को यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से असेसमेंट होता है और उसके बेसिस पे रेटिंग्स मिलती है इनफैक्ट in इंडिया ने ये जो ग्रेहा है इसको यूज़ किया है एज द ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम इन द इंडियाज़ एन डी सी जो हम लोगों ने यू एन एफ ट्रिपल सी को सबमिट करें अंडर द पेरिस डील याद रखना ग्रह के बारे में आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट इज सी आई टी आई आई जैसा इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है विध सिटीज़ प्रोग्राम के अंदर ऑर्गेनाइज किया था रिसेंटली सिटीज ऑफ टमारो फोटोग्राफी एग्जिबिशन का बस इतना ही याद रखने लायक है ये जो सिटीज़ है एक जॉइंट प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर रन कर रहे हैं विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी द यूरोपियन यूनियन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इतना ही इसमें याद रखने लायक है बाकी और तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इंडियाज फर्स्ट सॉवरण ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क एस तो पहले एस नाम से हम लोगों ने सॉवर गोल्ड बॉन्ड्स भी पढ़ाए तो उससे कंफ्यूज मत करना ये ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो so अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किए हैं इंडियाज फर्स्ट सॉवरण ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क अभी जो सॉवर ग्रीन बॉन्ड है इसका मतलब एक ऐसा ग्रीन बॉन्ड विच इज अ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जिससे हम जो पैसा है वो इस्तेमाल करेंगे इन क्लाइमेट रिलेटेड और एनवायरमेंटल बेस्ड प्रोजेक्ट्स तो अभी सॉवरिन जब नाम जुड़ जाता है इसका मतलब गवर्नमेंट ही उसको इशू कर सकता है तो इंडियन गवर्नमेंट ये सॉवरन ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी और जो भी इन्वायरमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है उनके अंदर इस पैसे को लगाया जाएगा अब इसके अंदर जो ग्रीन प्रोजेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है ये कुछ प्रिंसिपल्स पे, पे फोकस्ड है जैसे एनर्जी एफिशिएंसी या अगर वो किसी तरीके से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन रिड्यूस कर रहा है या कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहा है तो उसे हम क्लासिफाई करेंगे एज अ ग्रीन प्रोजेक्ट अब इसके अंदर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स कैसे कौन कौन से हो सकते हैं तो पहला है रिन्यूएबल एनर्जी फिर है क्लीन ट्रांसपोर्टेशन वाटर वेस्ट मैनेजमेंट ग्रीन बिल्डिंग एक्सेट्रा तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और आप समझ ही सकते हो कि एन्वायरमेंट फ्रेंडली जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब इसके अंदर आएंगे लेकिन माइंड यू इसके अंदर हाइड्रो पावर प्लांट्स विच आर लार्जर देन ट्वेंटी फाइव मेगा वॉट अगर उससे कम है तो तो वो इसके अंदर आ जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा अपार्ट फ्रॉम दैट जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे तो अगर इंडिया के अंदर हिस्ट्री की बात करें ये जो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स है ये सबसे पहले येस बैंक ने लॉन्च किए थे इन टू और अब गवर्नमेंट इसको लॉन्च करने जा रही है तो इससे जो पैसा आएगा ये ज़्यादा जाएगा इन द कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया सो याद रखना कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया में ये सारा जो पैसा है सॉवरन ग्रीन बॉन्ड से वो जाएगा अब इसके अलावा म्यूनिपिपल ग्रीन बॉन्ड्स भी हैं न्यूज़ के अंदर तो सेबी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो म्यूनसिपल डेट सिक्योरिटीज़ हैं दे कैन इशू ग्रीन बॉन्ड्स अगर वो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो अब वही सेम प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट इसके अलावा ब्लू बॉन्ड्स भी न्यूज़ में है तो ब्लू बॉन्ड्स पता होने चाहिए ब्लू बॉन्ड बेसिकली हम ओशन या जो ब्लू इकोनमी है यानी सी बेस्ड इकोनमी है उसके लिए हम लोग इशू करते हैं ब्लू बॉन्ड्स और बेसिकली हम जो ओशन या जो सीज हैं उनका सस्टेनेबल अगर यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोग ब्लू बॉन्ड्स का जो पैसा है वो यूज़ करेंगे राइट दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस बॉन्ड्स आगे चलते नेक्स्ट टॉपिक पे ग्रीन परमिट तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन ऑफ सर्टन ग्रीन परमिट्स तो इसके अंदर बेसिकली जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है कुछ प्रोजेक्ट्स को उन्हें इंक्रीज कर दिया गया like example, है एक फॉर एग्जांपल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं उनको थर्टीन ईयर का वैलिडिटी दे दिया है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को फिफ्टीन ईयर का वैलिडिटी दे दिए और इनके अलावा जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अदर देन द माइनिंग और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इनको टेन ईयर्स का जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया गया है करेंटली अगर हम बात करें जो माइनिंग लीजिस थी वो पहले पचास साल के लिए दी जाती थी और इन्वामेंटल जो क्लियरेंस है इसके लिए थर्टी ईयर्स का रहता था यानी आफ्टर थर्टी ईयर्स आपको फिर से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा तो ये चीज़ भी अभी रिव्यू में चल रही है अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया तो ये नीड जरूरत क्यों पड़ी क्यों ये परमिट है इसको एक्सटेंड करना पड़ा तो रीज़न ये है कि हम लोग जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि न्यूक्लियर पावर या जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत लंबे समय के प्रोजेक्ट्स होते हैं मतलब तो इनको प्लान करने से लेके इम्प्लीमेंट करने तक कई साल लग जाते हैं तो इसे जस्टेशन पीरियड कहते हैं जब वो एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इस पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा डिलेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फेवरल रीज़न लाइक फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंस या जियोलॉजिकल सप्राइजेज इनकी वजह से जो समय है वो काफ़ी लंबा हो जाता है और वो एक्टिवली वर्क नहीं कर पाते तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इनके लिए बढ़ा दिया गया ये जो इन्वायेंटल क्लियरेंस है ये फर्स्ट टाइम मैंडेटरी किया गया था अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन और उसके बाद तो आप जानते हो जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन था टू का उसके थ्रू एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो था वो मैंडेटरी कर दिया गया था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए तो थोड़ा सा ये की फ़ीचर्स देख लेते हैं एनवायरमेंट की इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स के तो प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज लेने पड़ते हैं फॉर सर्टेन नोटिफाइड प्रोजेक्ट्स जैसे कि माइनिंग थर्मल पावर प्लांट्स रिवर वैली इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एक्सेट्रा तो ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है ये ऑलरेडी नोटिफाइड है इस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स के अंदर एक स्केड्यूल है उसके अंदर ऑलरेडी नोटिफाइड है तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है इस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के अंदर तो ये बेसिकली एक फोर स्टेज प्रोसेस है तो पहला स्टेज है स्क्रीनिंग फिर है स्कूपिंग फिर है पब्लिक कंसल्टेशन और फिर है अप्रेजल तो नाम से आपको पता लग जाएगा स्क्रीनिंग के अंदर आप बेसिकली देखते हो कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है कितना एरिया चाहिए तो बहुत बेसिक सी डिटेल जो है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में वो देखा जाता है फिर स्कोपिंग जो है उसके अंदर हम लोग एसेस करते हैं क्या हिजाड हो सकते हैं क्या और नेचुरल डिजास्टर को लीड कर सकता है नहीं कर सकता है ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसका बेसिकली इम्पैक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट पर वो हम लोग एसेस करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेज जो है पब्लिक कंसल्टेशन यानी लोगों के लिए ओपन किया जाता है डिस्कशन कि ये इंडस्ट्री अगर बनती है यहाँ पे या ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनता है तो उससे आपको क्या लगता है क्या क्या नुकसान हो सकता है तो वो पब्लिक कंसल्टेशन में एक पब्लिक हेयरिंग होती है एंड ये सब होने के बाद लास्ट स्टेज जो होती है वो अप्रेजल होता है यानी क्या इस प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो सब चीज़ें डिसाइड होती है तब यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने जैसे पहले भी बात किया था गवर्नमेंट का थोड़ा प्रो बिजनेस पॉलिसी है अभी जिन लोगों ने टाइम लिमिट फिक्स कर दिया टाइम लिमिट जो है ये वन जीरो फाइव डेज का दिया गया फॉर द ग्रांटिंग ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस जिसमें से सिक्सटी डेज जो है वो अप्रेजल को दिए गए हैं और फोर्टी फाइव डेज जो है वो दिए गए हैं बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी कि वो अपना डिसीजन ले सके तो ये हंड्रेड एंड फाइव डेज का डिस्ट्रीब्यूशन है अभी जो इन्वायमेंटल क्लियरेंस है इसके अंदर कई कैटेगरीज बनाई गई है प्रोजेक्ट की भी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वन प्रोजेक्ट हैं दे शैल हैव टू अंडरटेक पब्लिक कंसल्टेशन उनको पब्लिक कंसल्टेशन मैंडेटरी है अपार्ट फ्रॉम सम एग्जामेशन जैसे कि इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हो गया या कोई रोड का एक्सपेंशन करना है तो उन केसेस में पब्लिक कंसल्टेशन वो मैंडेटरी नहीं है ठीक है और ये जो पब्लिक हेयरिंग है इसको कंक्लूड करना है विद इन फोर्टी फाइव डेज फ्राम द रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट फ्राम द एप्लीकेंट तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वामेंटल क्लियरेंस का एक शॉर्ट तरीका ये सबसे पहले लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है फिर स्क्रीनिंग होती है और अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जरूरी है क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो रूल्स है उसके शेड्यूल में वो आता है प्रोजेक्ट तो फिर इन्वायमेंटल इम्पैक्ट जरूरी हो जाएगा उसके बाद एन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एन के बाद एववायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा और फाइनली जो अप्रीजल कमेटी है वो डिसाइड करेगा कि एन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना है कि नहीं देना या अगर कोई चेंजेस सजेस्ट करने है तो वो भी ये बताते हैं अब जो कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स थी तो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट है तो कैटेगरी ए जो है उसके अंदर प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वायर होगा

अप्रूवल से प्रायर चाहिए होगा ठीक है इट्स अप्रेजल प्रायर टू द ग्रांट ऑफ एनवाटल क्लियरेंस तो पहले आपको अप्रूवल चाहिए होगा उसके बाद ही आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले सकते हो नेक्स्ट जो बी टू है इट डज नॉट रिक्वायर एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर इट्स अप्रेजल प्रायर टू द ग्रांट ऑफ क्लियरेंस ठीक है बाद में भी क्लियरेंस है वो ले सकते हैं ठीक है या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है असेसमेंट ये बाद में भी ले सकते हैं तो ये है दो कैटेगरीज और कैटेगरी बी के अंदर फर्दर दो कैटेगरी समझ में आ गया होगा आपको तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे तो इसी से रिलेटेड जो न्यूज है वो ये स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज के बारे में सो अभी रिसेंटली एनजी ने डायरेक्ट किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उसको कि वो एक पैनल फॉर्म करे जो कि सेफ या जो गाइडलाइंस है वो तैयार करके दे स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ को तो इससे पहले जो ई आई ए नोटिफिकेशन आया था मतलब उसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने या जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इसको डिसेंट्रलाइज कर देंगे यानी स्टेट्स को थोड़ी ज़्यादा और पावर दें वो अपने एंड से डिसीजन ले सकते हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के ऊपर तो यहाँ पर थोड़ा सा एन जी टी ने बैक ट्रैक किया और उन्होंने बोला एटलीस्ट आप कुछ गाइडलाइंस दे दो स्टेट एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ को तो यही था इसमें याद रखने लायक तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है ये जो ड्राफ्ट है ये बेसिकली पब्लिश किया है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड जी ने और ये जो है एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है ऑफ द so, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशियेटिव बायोडाइवर्सिटी स्टैंडर्डोबल रिपोर्टिंग इनिशियेटिव है एक ग्लोबल एंटिटी है जो बिजनेसिस को हेल्प करता है ताकि वो एसेस कर सके कि उनका जो बिजनेस है वो कैसे इम्पैक्ट करे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर तो ये जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है ये लास्ट रिवाइज किए गए थे 2006 में तो अब ये रिवाइज वापस होने जा रहे हैं और इसीलिए ये ड्राफ्ट जो है अभी सामने आया है राइट आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं क्लाउड फॉरेस्ट एसेट तो अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज अर्थ सिक्योरिटी नाम का एक एडवाइजरी फर्म है इन लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली है क्लाउड फॉरेस्ट एसेट फाइनेंसिंग अ वेलुएबल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन तो ये जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है हम लोगों ने इस पीटी में कई बार डिस्कस कर रखा है बेसिकली जो कॉप ट्वेंटी सिक्स और कॉप ट्वेंटी सेवन था वहाँ पर भी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पर जोर देने की बात की गई थी तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसको जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है और अगर हम उन्हें ही एनहेंस करें हम जो है क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे जैसे फॉरेस्ट को हम और ग्रो करें या उन्हें और बनाएं तो ऑटोमेटिकली जो हम क्लाइमेट चेंजेस को रोक पाएंगे तो यही नेचर बेस्ड सोल्यूशन है तो उसी में एक अप्रोच है क्लाउड फॉरेस्ट एसेट का ये क्लाउड फॉरेस्ट क्या है ये थोड़ा हम देखते हैं तो क्लाउड फॉरेस्ट बेसिकली एक ऐसा एरिया है फॉरेस्ट कवर का जहाँ जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज ग्रेटर देन टेन परसेंट एंड वहाँ पे जो फॉग है दैट इज़ प्रेजेंट ग्रेटर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द टाइम यानी सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा वहाँ पे फॉग जो है वो रहना चाहिए अब जनरली ये जो फॉरेस्ट है ये एक एल्टीट्यूड पे लोकेटेड होता है यानी 1500 टू 3000 फीट अबव द सी लेवल तो ये जो लेवल होगा यहाँ पे हमें जनरली ये क्लाउड फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे जनरली शॉर्टेड ट्रीज होंगी क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो हम देखते हैं ट्रीज़ की वेराइटी जो है वो डिफरेंट होती जाती है नॉर्मल ट्रीज से तो यहाँ पे शॉर्टेड ट्रीज है विच आर कवर्ड इन मोजेज एंड फर्न मोजेज और फर्न, और फर्न ने कई बार प्रलम्स है उसके अंदर स्टेटमेंट में पूछा हुआ है तो पता होने से क्या है तो ये जनरली जो मॉइस्ट एरियाज होते हैं वहीं पे पैदा होते हैं और फॉग आपको पता है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है इसीलिए होता है तो ये मॉइस्ट एरियाज़ में देखने को मिलते हैं इसके अलावा कूलर और वेटर होते हैं ये फॉरेस्ट देन एनी अदर फॉरेस्ट यहाँ पे एक क्लाउड का जो है वो ब्लैंकेट भी रहता है मतलब क्लाउड जो है वो घेरे रखते हैं तो जब भी आप कभी ऊँची जगह जाओगे जैसे शिमला वगैरह तो यू विल फाइंड के जो पहाड़ है वहाँ पर क्लाउड जो है वो उनके अक्रॉस ट्रैवल करते हैं तो इसी टाइप के जो फॉरेस्ट है उन्हें हम क्लाउड फॉरेस्ट कह सकते हैं ठीक है अब क्लाउड फॉरेस्ट या जो क्लाउड फॉरेस्ट ट्वेंटी फाइव इनिशियेटिव है ये बेसिकली ऐसे ही फॉरेस्ट को एड्रेस करता है और ये जो फॉरेस्ट है ये ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं और जनरली यहाँ पे जो रिवर जहाँ से स्टार्ट होती है तो वो ऐसे फॉरेस्ट से ही स्टार्ट होती है और ये एरियाज जो हैं क्लाउड से कवर रहते हैं अब इंपॉर्टेंस इनका ये रहता है कि ये स्टोर करते हैं क्लीन वाटर फॉर द कम्यूनिटीज़ इंडस्ट्रीज हाइड्रो पावर प्लांट्स इनफैक्ट जो मेजोरिटी ऑफ़ द क्लाउड फॉरेस्ट है दैट इज द नाइन्टी आर फाउंड इन ट्वेंटी डेवलपिंग कंट्रीज इन द ट्रॉपिकल रीजन और इनका एक डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो इसीलिए जो सी एफ ट्वेंटी फाइव है ये एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है ताकि ये जो क्लाइम क्लाउड फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है हम उसे और रेजिलिएंट बना सकें अब इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स दिए गए हैं कैसे हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं ताकि हम ये जो क्लाउड फॉरेस्ट है इनको प्रोटेक्ट कर सकें तो इसमें है वाटर पेमेंट हम जो लोग है जो ecosystem services हैं जो इको सिस्टम सर्विसज इस्तेमाल करें यानी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे पैसा लिया जा सकता है और, और इन फॉरेस्ट जो इको है उनके अंदर डाला जा सकता है फॉर देयर रेजिलियंस इसके अलावा सॉवरेन कार्बन है हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं ऑफ द फॉरेस्ट कार्बन एट सॉवरन एंड सब सॉवरन जूरीडिक्शन यानी सब सॉवरिन मतलब जो स्टेट्स के लेवल पे जो जूरीडिक्शन आता है वहाँ पे भी फाइनेंसिंग कर सकते हैं और इसी के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी दिया विच इज़ द क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड तो बॉन्ड एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है या एक इन्वेस्टमेंट का है तरीका है जिसके थ्रू तो हम पैसे उठा सकते हैं क्लाउड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ इनिशियेटिव इसने दिए बाकी नेचर बेस्ड सोल्यूशन तो आप जानते हो इसको आई डोंट थिंक डिस्कस करने की ज़रूरत है बस तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है ये अडेप्टन मिटिगेशन और रेजिलेंस में हेल्प करेगा तो जैसे अडेप्टेसन की बात करें तो क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर हो गया जहाँ पे हम कल्टिवेट uh, कर सकते हैं ड्रॉट रेजिलियट क्रॉप जो हैं लाइक मिलेट्स जो कम पानी के अंदर उग जाती हैं और फूड सिक्योरिटी में हेल्प करती हैं नेक्स्ट मिटिगेशन की बात करें तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो है

जो नेचुरल डिजास्टर लाइक साइक्लोन सुनामी इनसे प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि इनकम अपॉर्चुनिटी भी अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करेंगे जो लोकल्स है जो इन एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए तो इस तरीके से नेचर बेस्ड सोल्यूशन हमें हेल्प कर सकते हैं बाकी आगे भी यही सेम प्रोसेस दिया हुआ है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट तो इस आगे हम एक रिलेटेड न्यूज़ पे चलते हैं तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिपोर्ट तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ किया है अभी यू एन ई पी ने एंड द बी एम जी फाइनेंस्ड इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशियेटिव अब ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशियेटिव है ये ग्लोबल इनिशियेटिव है जिसके अंदर हम जो इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं ट्रू वैल्यू ऑफ़ द लैंड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी जो भी डिसीजन लिया जाता है जिस भी लेवल पे चाहे वो सॉवरेन लेवल पे हो या सब सॉवरन लेवल यानी स्टेट के लेवल्स पे वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर जो लैंड की प्रॉपर वैल्यू है वो पता रहे ये इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव है ये बेसिकली जर्मन जो फेडरल मिनिस्ट्री है का इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है प्लस जो यू एन सी सी डी है विच इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड यूरोपियन कमीशन इन लोगों ने मिलकर जो है लॉन्च किया है ई एल डी और ई एल डी ने फिर मिलकर लॉन्च किया है अलॉन्ग विद यू एन ई पी द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू अब इसके अंदर बेसिकली क्वान्टिफाई करते हैं कि कैसे हम जो पब्लिक और जो प्राइवेट फाइनेंसिस हैं उनको ला सकते हैं टू द नेचर बेस्ड सोल्यूशन ताकि हम जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं लाइक बायोडावर्सिटी लॉस क्लाइमेट चेंज लैंड डिग्रेडेशन एक्सेट्रा इन सब को एड्रेस कर सकें तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज तो पहला टॉपिक है इसमें ओशन थर्मल एनर्जी का तो अभी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस के अंडर तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस के अंडर आता है तो ये एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं इंडिया का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट अभी ये एस्टैब्लिश कहाँ कर रहे हैं तो ये बेसिकली जो लक्षद्वीप का जो करावती आइलैंड है वहाँ पे एक ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो प्लांट है वो एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं एम ये है कि इस ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और उस इलेक्ट्रिसिटी से फिर हम एक डिसलिनेशन प्लांट लगाएं डिसलशन मतलब जो मरीन वाटर है उससे हम पोर्टेबल वाटर प्रोड्यूस करें तो इसके लिए डी प्लांट चाहिए और डी प्लांट को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो दैट्स वाय दिस ओशन थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड अब ये जो ओशन थर्मल एनर्जी ये वर्क कैसे करता है तो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई हार्नेसिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ओशन सर्फेस टेम्परेचर एंड द डीप ओशन वाटर तो जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है सर्फेस और जो डीप वाटर है उसके बीच में उसको हम हार्नेस कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस क्यों रहता है जैसा कि आप जानते हो सरफेस वाटर है वहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट आ रही है तो टेम्परेचर सरफेस वाटर का वो होगा अराउंड 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे यानी पानी के नीचे जाएंगे आफ्टर 200 मीटर पानी के अंदर एक ऐसा जोन शुरू होता है जहाँ पर लाइट एंटर ही नहीं कर पाती जैसे तो हम बोलते हैं ए जोन अब ए जोन जो है यहाँ पे क्योंकि तो सन आती नहीं है और सनलाइट आती नहीं है तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली काफ़ी कम देखने को मिलेगा तो यहाँ पे नियर अबाउट आपको टेम्परेचर जो है थ्री टू सेवन डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा तो यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है सरफेस के बीच में और जो डेप्थ वे जो वाटर है उसके बीच में आराम से आपको ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा इसी डिफरेंस को हम यूटिलाइज़ करेंगे और रन करेंगे एक टर्बाइन तो ये हम करते कैसे हैं इसके लिए या तो हम कोई ऐसा सोल्यूशन यूज करते हैं जो इतने से हीट की के डिफरेंस के अंदर हीट हो जाएगा जैसे अमोनिया अमोनिया आपको पता है एक लो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड है मतलब बहुत जल्दी यानी रूम टेम्परेचर पे ही ये गैस बन जाता है तो ऐसा कोई भी लिक्विड हम लोग यूज कर सकते हैं और इस लिक्विड को फिर हम एक स्टीम टर्बाइन के अंदर डालेंगे स्टीम टर्बाइन रन होगा टर्बाइन रन होगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो इस तरीके से हम लोग इसे जनरेट करेंगे फिर ये अमोनिया जो है ये नेक्स्ट एक कंडेंसर में डाला जाएगा कंडेंसर जो है वो नीचे जो कोल्ड वाटर का जो सोर्स है उससे अटैच होगा और ये वापस ठंडा हो जाएगा फिर ये अमोनिया जो है वापस इवेपोरेटर में डाला जाएगा जो कि सरफेस पे लोकेटेड है यहाँ पे टेम्परेचर है और इससे अमोनिया हीट होगा और वापस वेपर बन जाएगा तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन सिस्टम तो दिस इज़ इट याद रखना इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आपको एटलीस्ट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस का चाहिए तभी ये वर्क कर पाएगा अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा ठीक है इसके अलावा इंडिया की जो पोटेंशियल है ये ऑलमोस्ट वन लाख एट्टी थाउजेंड मेगावाट की पोटेंशियल है इंडिया के पास और एडवांटेजेस इसके क्या हैं क्योंकि इंडिया जो है जियोग्राफिकली वेल प्लेस्ड है इंडिया के पास सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर का शोर लाइन है जो कि वन ऑफ द हाइस्ट है इन द वर्ल्ड तो इसलिए इंडिया जियोग्राफिकली वेल सूटेड है जनरेट well कर सकता है कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ क्लीन अनलाइक अदर रिन्यूएबल एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बाकी जो है उनसे भी क्लीन एनर्जी मिलती है लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस एनर्जी मिलेगी बाकी सब अंदर हमें इंटरमीडिएट मिलती है यानी जैसे विंड या सोलर हो गया उसमें कॉन्टिन्यूस नहीं मिलता यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस मिलेगा इनफैक्ट जब रात के अंदर सन नहीं भी होगा तब भी जो वाटर है वो थोड़ा सा धीरे हीट होता है आपको पता ही होगा वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है लैंड से तो इसलिए जो वाटर हीट होता है वो हीट लूज भी बहुत धीरे धीरे करता है एज कंपेयर टू लैंड तो इसलिए चाहे दिन हो चाहे रात हो हमें ओशन थर्मल एनर्जी मिलती रहेगी अभी जो ओशन बेस्ड एनर्जी है इसके और भी फॉर्म हो सकते हैं ये तो हमने ओशन थर्मल की बात किया इसके अलावा उसके अंदर वेव एनर्जी हो सकती है करंट एनर्जी हो सकती है और टाइडल एनर्जी हो सकती है तो इन दोनों ये जो तीन टाइप की एनर्जी आप जानते हो टाइडल जो है मून का जो ग्रेविटेशनल पोल है उसकी वजह से काइनेटिक एक्शन है वाटर का फिर करंट जो है ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो मूवमेंट है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि बहुत लंबे डिस्टेंस से चलता है उसका जो मूवमेंट है वो करंट एनर्जी से मिल सकता है और फिर जो सरफेस के ऊपर वेव्स आती हैं जो कि विंड एनर्जी की वजह से आती है उससे भी हम लोग जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं ओशन बेस्ड एनर्जी इनफैक्ट वेव एनर्जी का हम आगे एक रिलेटेड न्यूज में देखने ही वाले हैं तो याद रखना इससे हम जनरेट कर सकते हैं पोर्टेबल वाटर मतलब एक डिसलिनेशन प्लांट लगा के पोर्टेबल वाटर जनरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से और फिर अमोनिया हम लोग जनरेट कर सकते हैं तो दीज आर द एडवांटेजेस अमोंग मेनी अदर्स अब चैलेंजेस क्या हैं तो चैलेंजेस तो पहला यही है कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट है यानी जो इनिशियल कॉस्ट है इसको सेटअप करने की बहुत ज़्यादा है इससे अभी ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ में है अभी कोई सक्सेसफुल कमर्शलाइजेशन हम लोगों ने होते हुए नहीं देखा है इनफैक्ट इससे हो सकता है शायद थोड़ा जो मरीन बायोडावर्सिटी है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे रिलेटेड न्यूज़ पे तो रिलेटेड न्यूज़ में हमारे पास सिंधुजा वन है ये एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है जो आईआईटी मद्रास ने बनाया है यानी जो वेव एक्शन है समुद्र के ऊपर उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है एक थ्री कॉम्पोनेंट सिस्टम है एक फ्लोटिंग बायो है एक, एक स्पार है और एक इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल है तो हम बेसिकली क्या करते हैं एक ऐसा ये शेप का है ये ठीक है इंस्ट्रूमेंट तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे पानी के अंदर होता है और पानी की जो वेव्स आती है उसी ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है अप एंड डाउन ठीक है और ये अप डाउन मोशन की वजह से ये एक इसके अंदर जनरेटर उसको मूव करता है और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है फिर किसी डिस्काउंट के अंदर या जनरेटिंग स्टेशन के अंदर इकट्ठी हो जाती है तो दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क और ये जो सिस्टम है इसके थ्रू हम लोग कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये जो वेव है ये कॉन्टिन्यूस रहती है किसी भी सी हो गया या ओशन के अंदर हो गया तो ये कॉन्टीन्यूस सप्लाई होगा एनर्जी का और ये हेल्प करेगा इंडिया के जो है के उनको अचीव करने में तो दीज आर द एडवांटेजेस बाकी सिमिलर है जो हम लोगों ने ओशन थर्मल एनर्जी के अराउंड देखी दैट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कोल गैसिफिकेशन पे तो अभी न्यूज में इसलिए बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया फिफ्टी परसेंट इन द रेवेन्यू शेयर फॉर कोल गैसिफिकेशन अब कोल गैसिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं अलॉन्ग विद वाटर और उससे हम लोग एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिस गैस का नाम होता है सिंथेसिस गैस या सिन गैस भी बोला जाता है इसे तो ये टर्म पता होना चाहिए सिन गैस क्या है और ये सिन गैस जो है ये कुछ गैसेस का मिक्सचर होती है जैसे कि हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसके अलावा कुछ और गैसेस भी होते हैं बट वो ट्रेस अमाउंट में होती है सो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है बट ये तीन जो गैसेज है वो जनरली प्रेजेंट होती है अब दो तरीके हैं या तो इन टू कर लो या एक्सीटू इनसी टू कैसे करोगे आप जो कोल माइन है उसी के अंदर किसी कोल सीम के अंदर आप ऑक्सीजन के साथ वाटर प्लस एट अ हाई टेम्परेचर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट जो है या जो रिजल्ट है उसका वो सिन गैस मिलेगा इसके अलावा एक एक्सीटू तरीका भी है उसके अंदर आप एक रिएक्टर बनाते हो और कोल को पहले जो माइन है उसमें से माइन करके फिर इस रिएक्टर के अंदर डालते हो और फिर वही सेम प्रोसेस ये आप उसको हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन और वाटर के साथ हीट करते हो तो रिजल्ट आपके पास सिन गैस मिलता है तो यहाँ पे आप प्रोसेस भी देख सकते हो इनफैक्ट कि कोल प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हीटिंग हो रही है इससे आपको सिन गैस मिला इसके अलावा कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैग मिनरल मतलब क्योंकि ये कोल जो है उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज़ होती है तो वो आपको स्लैग के फॉर्म में बाहर मिल जाएगी अब ये जो सिन गैस है ये आगे बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जा सकता है या फिर आ, इसको आगे फिर फर्दर बर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशन है इस सिन गैस के और ये जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू बर्निंग ऑफ कोल राइट अब ये जो सल्फर कंपाउंड जो इसमें से निकल रहे हैं इनको ईजीली रिमूव किया जा सकता है बाई यूजिंग एसिड गैस रिमूवल सिस्टम तो इसलिए ओवरऑल ये जो सिस्टम है काफ़ी एडवांटेज है और इसको हम एक क्लीन कोल टेक्नोलॉजी कंसीडर करते हैं ये कोल गैसिफिकेशन को और इसमें जो फ्रेश जो वॉ वाटर हम लोगों ने इस्तेमाल किया इसको भी हम इजीली रिसाइकिल कर सकते हैं तो ओवरऑल बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है और इन्वामेंट फ्रेंडली है और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका भी यूज़ किया, किया जा सकता है फॉर बिल्डिंग लेट्स जैसे कार्बन फाइबर्स या प्लास्टिक कंपोजिट वगैरह बनाने में इनको यूज़ किया जा सकता है राइट तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है अभी हमारे सेंटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रपोज किया एक नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट टू अचीव 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030 तो ये टारगेट पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ जो कोल है वो इसको टेक केयर करेगी पूरे आ, इस आ, मिशन को अब इसमें एक नोडल ऑफिसर होंगे यानी हर जो जितनी भी कोल कंपनीज है इंडिया में आप जानते हो जो मेजर कोल कंपनी है वो है कोल इंडिया लिमिटेड तो उसके अंदर नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेंगे जो ये चीज इंश्योर करेंगे हमारे जो कोल गैसिफिकेशन से जो गैस आ रहा है वो एटलीस्ट टेन परसेंट ऑफ प्रोडक्शन का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा यानी अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा और लास्टली इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जैम्पन यानी अगर आप ऐसा कोई कोल से रिलेटेड गैसिफिकेशन से रिलेटेड आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो उसके अंदर जितने भी कैपिटल गुड्स सही होंगे उनके ऊपर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी सो दिस इज़ रिगार्डिंग द नेशनल मिशन ऑन कोल गैसिफिकेशन तो याद रखना हंड्रेड मिलियन टन का इसके अंदर uh, आउटले रखा है हम लोगों ने कि इतना प्रोड्यूस करना है कोल गैसिफिकेशन से सिन गैस और ईयर है टारगेट ईयर है इसके लिए ट्वेंटी थर्टी तो याद रखना ये चीज़ आगे चलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल तो ये वाली पॉलिसी आप लोगों ने कई बार पढ़ी रखी होगी फैक्ट हम कई बार रिपीट कर चुके हैं इस चीज़ को तो याद रखना टारगेट जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग का वो ट्वेंटी परसेंट है और उसको प्रीपोन कर, प्री कर दिया गया यानी पहले ट्वेंटी थर्टी था उसको प्रीपोन करके अब ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स कर दिया गया डीजल के लिए अभी भी वो ट्वेंटी थर्टी का ही टारगेट चल रहा है तो ये ये चीज़ याद रखना अब ये जो बायोफ्यूल है इसके अंदर कुछ जनरेशन है जो कई बार आपने एम में देखी होगी जनरेशन पता होनी चाहिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो ईडेबल बायोमास है यानी जो फूड क्रॉप्स है उसी से हम लोग बायोफ्यूल बनाएंगे और बायोफ्यूल बनाते कैसे हैं कि उनको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तब जाके हमें जो इथेनॉल है वो मिलता है तो यहाँ पे शुगर बीट शुगर केन वीट कॉर्न एक्सेट्रा इनफैक्ट यू ने प्रॉब्लम्स के अंदर भी पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी क्रॉप से हम लोग जो है बायो इथेनॉल बना सकते हैं तो ये पता होना चाहिए फिर नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे हम नॉन ईडेबल बायोमास का इस्तेमाल करेंगे यानी ऐसा जो चीज़ जो खाने लायक नहीं है जैसे स्ट्रॉ वुड ग्रास वेस्ट म्यूनसिपल वेस्ट जो है वो सब यूज यूज़ करके हम बायो इथेनॉल बनाएंगे थर्ड जनरेशन में हमारे पास है एल्गल बायोमास यानी जो एल्गी है चाहे फिर वो माइक्रो हो या मैक्रो एल्गी हो उसको फर्मेंट करके हम लोग बायोफील बनाएंगे और जो फोर्थ जनरेशन है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग ऐसा एल या फिर क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे जिसका हायर कार्बन कंटेंट होगा यानी बायोमास ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली दे विल प्रोड्यूस मोर इथेनॉल राइट सो ये पता होना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें की है आगे चलते हैं अब ये जो पॉलिसी है इसके अंदर ऑलरेडी इंडिया ने अचीव कर लिया टेन परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल जो टारगेट यह था ट्वेंटी 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 टू का उससे पहले हम लोगों ने इस चीज़ को अचीव कर लिया विच इज़ अ गुड थिंग अब बायोफ्यूल में और क्या क्या कवर करें तो हम बायो इथेनॉल कवर कर रहे हैं हम बायोडीजल कवर कर रहे हैं एंड बायो सी भी कवर कर रहे हैं तो ये याद रखना इसके अलावा एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है जो कि है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी एन इसको 2020 ट्वेंटी में सेटअप किया गया था और इसको चेयर कौन करते हैं तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है वो इसको चेयर करते हैं तो ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट डिटेल है नेक्स्ट ये एक कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट करते हैं जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और जो ऑयल मैन्यूफैक् ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं बिकॉज जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल है उसमें हम देख रहे हैं इडेबल जो फूड क्रॉप्स है उनका इस्तेमाल हो रहा है तो फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल करने से हो सकता है फूड इनसिक्योरिटी हो जाए तो इसलिए फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ये चीज़ मैनेज करा और अभी जो हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर हम जनरली जो वेस्ट हो जाता है या जो रॉटन जो फूड क्रॉप्स हो जाते हैं जैसे कई बार बड़ा पड़ा अनाज जो है सड़ जाता है इन एफ सी तो वो जो अनाज है वो डाइवर्ट किया जा रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को सो दैट दे कैन प्रोड्यूस बायो इथेनॉल नेक्स्ट अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उससे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जैसे हम यूज़ uh, कर सकते हैं मोर फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल इसके अलावा जो प्रोडक्शन है बायोफ्यूल्स का वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है वहाँ पे हो सकता है इसके अलावा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम बायोफ्यूल इन सर्टेन केसेस ठीक है ये भी परमिशन अलाउ करिए अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स हैं जैसे कैटेगराइजेशन किया गया है बायोफ्यूल्स का अप टू थ्री जनरेशन और उनको वाइबिलिटी गैप फंडिंग से सपोर्ट मिलेगा तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने वाइबिलिटी गैप फंडिंग पढ़ाई होगा जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर तो जहाँ पर हम बोलते हैं कि लट से हंड्रेड रुपीज़ चाहिए किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली रन करने के लिए लेकिन वहाँ पर हमारे पास नाइन्टी रुपीज़ ही मिल रहे हैं उसको चलाने से तो गवर्नमेंट क्या करती है टेन रुपीज़ अपनी तरफ से देती है ठीक है तो इससे हम कहते हैं वाइबिलिटी गैप फंडिंग राइट सो तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट अब इसके अलावा अलाउ कर दिया है एन को ये जो बॉडी थी ये अलाउ कर सकता है सरप्लस यूज ऑफ फूड ग्रीन्स एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग बायो इथेनॉल तो ये थोड़ा एम्पावर कर दिया है इस एन बॉडी को दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम तो याद रखना मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पे मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और इस प्रोजेक्ट का जो प्रोग्राम का जो पीरियड है वो रहेगा फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो ये वाला ट्वेंटी ट्वेंटी वन से लेके जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू का फाइनेंशियल है वहाँ से लेके ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स का जो फाइनेंशियल है वहाँ तक चलेगा बजट का आउटले एट फिफ्टी एट करोड़ है ये पहले फेज़ के लिए तो इसके अंदर तीन डिफरेंट मशीन्स होंगे पहला है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम फिर है बायोमास प्रोग्राम एंड तीसरा है बायोगैस प्रोग्राम तो वेस्ट टू एनर्जी आप समझ ही सकते हो जो म्यूनसिपल वेस्ट है उसको हम बर्न करके उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एनर्जी किस टाइप के फॉर्म में होगी ये हो सकता है बायोगैस बायो सी एन जी या और कोई पावर प्लांट डायरेक्टली बर्निंग से अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो तो इसको इंप्लीमेंट करेगा हमारा जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है आई आर ई डी ए ये आई आर ई डी ए जो है ये एक मिनी रत्ना है 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ही वर्क करता है तो ये जो है प्रोवाइड करेगा सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स रिगार्डिंग द वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम तो इसमें जो भी कोई इस्टेब्लिश करना चाहता है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा तो इससे बेसिकली हम लोग एक तो वेस्ट डिस्पोजल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं फिर क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारे मटेरियल को रिसाइकल कर सकते हैं ये पता होना चाहिए वेस्ट टू एनर्जी के बारे में आगे चलते हैं नेक्स्ट बायोमास प्रोग्राम है तो यहाँ पे हम लोग बायोमास जो है ब्रिकेट्स बना रहे हैं या पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं तो ये जो बायोमास है हम डायरेक्टली फीड करेंगे जो थर्मल पावर प्लांट से जिससे हमारा जो कोल के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो एट द सेम टाइम जो स्ट्रगल स्टबल बर्निंग हो रहा था वो भी कम होना चाहिए ठीक है तो ये पता होना चाहिए अब इसकी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो आई ही है तो वही सेम एजेंसी है जो वेस्ट एनर्जी चला रही थी अब यहाँ पे भी इनका काम यही है कि हम प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट्स अंडर दिस बायोमास प्रोग्राम तो याद रखना इसमें जो स्टबल होता है उसके हम ब्रिकेट्स या पैलेट्स या छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं वो बना देंगे और उसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज़ करेंगे अब इसमें ये याद रखना ये जो बायोमास होगा ये नॉन बगीज़ होगा मतलब जो शुगर केन का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको बगीज बोलते हैं वो तो नॉन बगीज़ होगा यहाँ पर तो ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट बायो बायोगैस प्रोग्राम तो यहाँ पे हम बायोगैस प्रोग्राम सेटअप करेंगे फॉर स्मॉल पावर नीड्स ऑफ द यूजर्स तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो डेजिग्नेट करेंगी एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और इसके अलावा जो आई है और नाबार्ड है इन्होंने भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रूव किया है कि वो वर्क कर सकते हैं विद दिस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इन कंसल्टेशन तो ये चीज़ याद रखना यहाँ पे स्टेट के ऊपर जो है वो ओनस है कि वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाए और उसको हेल्प करेगी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्हें आई और नबार्ड या आर ने अप्रूव किया है तो याद रखना यहाँ पे नंबर गिवन है कि जो बायोगैस प्लांट बनेगा वो वन क्यूबिक मीटर से लेके 2500 क्यूबिक मीटर तक का रहेगा अब ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है मतलब किसी एक इंडिविजुअल यूजर के लिए भी हो सकता है किसी पोल्ट्री के लिए भी हो सकता है तो इसका जो रेंज है ये थोड़ा वाइड है अब ये हेल्प कैसे करेगा तो ये हमें या जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करेगा सैनिटेशन प्रोवाइड करेगा क्योंकि जो वेस्ट हो रहा था पहले चीज़ें वो अब नहीं होंगी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प करेगा बिकॉज जो बायोगैस प्लांट के अंदर जो स्लरी बच जाता है जो वेस्ट वो वेस्ट ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल का वो इंक्रीज कर सकता है एंड देयर बाय उससे जो क्रॉप का आउटकम है वो भी इंक्रीज कर सकता है सो so ये चीज़ पता होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम का शॉर्टली नाम है कुसुम अभी कुसुम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बिकॉज ये फार्मर का इनकम ऑक्यूमेंटेशन कर रहा है साथ ही इंडिया को जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसको भी हेल्प कर रहा है तो इसके अंदर न्यूज में इसलिए है ये बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया एक परफॉर्मेंस गारंटी जो ली जा रही थी फ्रॉम द फार्मर पहले ठीक है वो बैंक गारंटी जो है वो रिमूव कर लिए और इससे जो कॉम्पोनेंट ए है इस पी कुसुम का उसको हेल्प मिलेगा अब इसके तीन कॉम्पोनेंट है ये तीन कॉम्पोनेंट क्या क्या हैं पहला कंपोनेंट ए जो है उसके अंदर हम एक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट इस्टेबलिश करें किसी फार्म के अंदर बेसिकली एक सोलर फार्म बना रहे हैं हम लोग जो सोलर फार्म जो है वो ग्रिड से कनेक्ट होगा यानी ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा यानी सिर्फ बिजली बनाने का काम हो रहा है यहाँ नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड एलून सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पम्प ये जो कॉम्पोनेंट बी है इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग जो फार्मर्स थे जो डीजल सेट यूज कर रहे थे क्योंकि उनके पास शायद पहले इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन नहीं थे ठीक है क्योंकि ग्रिड उनके आसपास नहीं था तो वो डीजल सेट यूज करते अब उनके डीजल सेट को बदलना है इनटू सोलर पंप्स ठीक है ये सोलर पंप्स जो है उनको स्टैंड अलोन बिजली प्रोवाइड करेंगे सो so, ये इसके अंदर कंपोनेंट बी के अंदर है कॉम्पोनेंट सी के अंदर हम जो सोलर पंप्स थे उनको तो सोलर कर ही रहे थे साथ ही उससे जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी थी एक सोलर पंप से वो वापस ग्रिड में भेज रहे थे ठीक है तो फार्मर के दो एडवांटेजेस हो रहे थे एक तो उसका फ्री में मोटर जो था वो चल रहा था और जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था वो ग्रिड में भेज रहा था लेकिन अब इस कंपोनेंट को बड़ा कर दिया गया अब ये कंपोनेंट जो है ये पहले सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चर पंप्स था लेकिन अब ये जो है बेसिकली पूरे फीडर का बन गया है सोलराइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर फीडर तो फीडर क्या होता है सपोज लेट से ये डिस्कॉम है जो आपके लोकेलिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पहुँचाता है ठीक है तो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी ये कई सारी लोकेलेटीज को पहुंचाता है ठीक है से ये लोकेलिटी ए है ये लोकेलिटी बी है ये लोकेलिटी सी और ये लोकेलिटी डी है ठीक है तो यहाँ पे ये बेसिकली एक जो लोकेलिटी है इसको हम एक फीडर बोलेंगे ठीक है यहाँ फीडर पर फिर ट्रांसफार्मर लगा होता तो है ट्रांसफॉमर जो है अलग अलग घरों को फिर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाता है तो इसको फीडर बोल रहे हैं हम लोग तो ये पूरा का जो पूरा एग्रीकल्चर फीडर है इसको ही सोलराइज करने की बात हो रही है तो हम जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे वापस डिस्कॉम को चली जाएगी ठीक है लेकिन याद रखना यहाँ पे कंपोनेंट ए और सी में डिफरेंस ये है कंपोनेंट ए के अंदर पूरा सोलर फार्म लगेगा ऑलमोस्ट ढाई से लेकर चार हेक्टेयर के लैंड के ऊपर बट यहाँ पे एक सिंगल सोलर पंप रहेगा कॉम्पोनेट सी के अंदर सो ये थोड़ा डिफरेंस है अब ये जो स्कीम थी पीएम कुसुम ये एक्चुअली लॉन्च हुई थी टू में और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ही इसको लॉन्च uh, कर रहा था स्टेट लेवल पे अपनी जो एम की जो टूडल एजेंसीज थी वो कोऑर्डिनेट करी थी स्टेट लेवल पे विद द डिस्कॉम्स एंड विद द फार्मर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इससे एडवांटेज जैसा मैंने बताया कि एनर्जी सिक्योरिटी भी मिल रहा था फार्मर्स को प्लस एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रहा था फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे वर प्रोड्यूसिंग तो पहले जो इसके अंदर टारगेट था कि हम थर्टी गेगा तक का सोलर कैपेसिटी बनाना है बाय द ईयर ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स तो ये जो है नया टारगेट आया है इससे पहले वाला जो टारगेट है वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर अब ये रिवाइज टारगेट है तो ये याद रखना थर्टी पॉइंट एट गेगा वाट का टारगेट है बाय द ईयर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स और इसके अलावा हम लोग डी हाँ, डीजलाइजेशन करें जो फार्म सेक्टर था उसका बिकॉज जो डीजल पम्प यूज कर रहे थे बहुत सारे फार्मर वो एन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं था तो इसलिए उनको हटा के उनकी जगह सोलर पम्प ला रहे हैं तो ये था इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं कंपोनेंट ए की तो यहाँ पे हम लोग 500 किलोवाट से लेके टू मेगावाट जो है उस लेवल का हम लोग एक पावर प्लांट बना रहे हैं सोलर पावर प्लांट ठीक है अब ये बना कौन सकता है तो ये एक इंडिविजुअल फार्मर भी बना सकता है अपनी लैंड पे लैंड ऑलमोस्ट फोर हेक्टेयर तक की होनी चाहिए इसके अंदर ठीक है फोर हेक्टेयर की होगी तब जाके टू किलो टू मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगा इसके अलावा कॉर्पोरेटि पंचायत भी बना सकते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं अब ये बना कहाँ सकते हैं तो ये अपने फील्ड पर बट वो जो फील्ड है वो बैरन हो सकता है यानी उसमें कोई पैदावार नहीं हो रही है कोई कल्टिवेशन नहीं हो रहा है वो भी हो सकता है कल्टिवेबल लैंड भी हो सकता है या पैसचर लैंड भी हो सकता है या कोई मार्सी लैंड ठीक है तो ये सब हो सकता है और इनको बोला जाएगा एज रिन्यूएबल पावर जनरेटर आर अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्मॉलर होंगे स्मॉलर देन फाइव हंड्रेड किलो वॉट एंड इससे भी जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको अलाउ कर सकता है अगर स्टेट चाहता है तो बट ये कब कर सकता है जब उसका टेक्नो कमर्शियल जो फिजिबिलिटी है वो अवेलेबल हो जनरली दो से फाइव हंड्रेड से लेके दो मेगावाट तक के ही बनाने लेकिन फाइव हंड्रेड किलो से भी कम का बना सकते हैं सोलर फार्म अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि ये कमर्शियली फीजेबल है तो अब जो पावर जनरेटेड है दिस विल बी परचेज बाय द डिस्कॉम अब ये डिस्कॉम किस रेट पे परचेज करेगा तो जो स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है ये रेट डिसाइड करेगा कि कितना रेट देना है और उसी रेट के ऊपर डिस्कॉम जो है पावर को खरीद सकता है अब इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे जितने भी डिस्कॉम से जो कि परचेज कर रहे हैं ये पावर फ्रॉम द फार्मर्स उनको भी इंसेंटिव मिलेगा इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट बी था जिसके अंदर हम स्टैंड स्टैंडलोन सोलर पंप बना रहे थे तो इसमें ट्वेंटी लाख इंडिविजुअल्स को हम लोग सोलर पंप लगा के देंगे सोलर पंप की कैपेसिटी कितनी होगी तो ये होगी सेवन पॉइंट फाइव हॉर्स पावर की ये सोलर कैपेसिटी होगी तो याद रखना इसमें एक और चीज़ है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मैंडेटरी है टू यूज़ द इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल और इसीलिए बहुत सारे जो यूएस की सोलर कंपनीज है वो इंडिया को डब्ल्यू लेके चली गई थी ठीक है तो क्योंकि हम लोग सिर्फ इंडियन कंपनीज को अलाउ कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज को अलाउ नहीं कर रहे ठीक है सो ये इश्यू था यहाँ पे कॉम्पोनेंट सी को रिस्ट्रक्चर कर दिया याद रखना सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर एग्रीकल्चर फीडर्स हो रहा है यहाँ पे जो सपोर्ट करेगा फिफ्टीन लैक फार्मर्स को टू सोलराइज पम्प अप टू कैपेसिटी ऑफ सेवन पॉइंट फाइव हॉर्स पावर सो याद रखना इसमें जो फंडिंग है ये थर्टीज टू सेवेंटी रहेगा थर्टी परसेंट जो पंप का जो कॉस्ट है वो सेंटर देगा बाकी सेवेंटी परसेंट जो है वो स्टेट ओन डिस्काउंट जो है वो पैसा देगा इसके अंदर दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द पी एम कुसुम स्कीम आगे चलते हैं अदर सोलर एनर्जी रिलेटेड स्कीम जिसमें डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स हो रहा है तो ये जो स्कीम थी इसके अंदर अभी तक टोटल फिफ्टी सेवन सोलर पार्क्स हम लोगों ने बनानी है विद एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ थर्टी नाइन थाउजेंड मेगा वॉट्स ठीक है और इस स्कीम को रन कौन कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वही इसको रन कर रही है एंड uh, इसका टारगेट है इन uh, कि हम लोग प्लग एंड प्ले मॉडल बनाएँ और टारगेट uh, इनिशियली जो रखा गया था वो ये था कि सेटअप करें ट्वेंटी फाइव सोलर पार्कस एंड अल्ट्रा सोलर पार्कस और स्टार्ट किया गया था बाय द ईयर ट्वेंटी फोर्टीन तो तब से हम लोगों ने ये जो टारगेट है इसको अचीव कर लिया और इसीलिए इसको रिवाइज़ करने की बात हो रही है इसके अंदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है तो हमारे पास सोलर पावर पार्क डेवलपर जो है एस ये जो है ये इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगा सो ये चीज़ याद रखना इसके अलावा कुछ और अचीवमेंट्स uh, हैं जैसे कि uh, हम लोगों ने 175 सेवेंटी का जो टारगेट रखा है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 उसके अंदर हम लोगों ने जो 61 वन uh, है वो सोलर एनर्जी से इंस्टॉल कर लिए 6.48 सोलर रूफटॉप से डिप्लॉय कर लिए ऑलरेडी फोर्थ है हम लोग सोलर वोल्टाइक के डिप्लॉयमेंट के अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर तो याद रखना फोर्थ है हमारी पोजिशन सोलर फोटो वोल्टाइक के केस में और राइट right. तो ये था हमारे लिए कुछ सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनिक सोलर सेल्स अभी आईआईटी कानपुर के अंदर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है एक ऑर्गेनिक सोलर सेल जो कि स्टील सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा यानी जो स्टील रूफ होती है उससे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी और ये जो ऑर्गेनिक सोलर सेल्स हैं ये बेसिकली एक, एक इमर्जिंग एरिया है फोटोवल्टाइाइक टेक्नोलॉजी के अंदर जनरली जो फोटोवल्टाइक टेक्नोलॉजी होती तो है उसके अंदर सिलिकॉन वेफर्स का इस्तेमाल होता है अलॉन्ग विद सम अदर सेमी कंडक्टर्स बट यहाँ पे हम लोग ये स्टील सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करके इसे बना रहे हैं तो ये एक्चुअली थर्ड जनरेशन है सोलर सेल्स की जो यूज करते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एज द लाइट ऑब्जॉर्बिंग लेयर तो काफ़ी लाइट वेट है लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर सकता है तो ये एडवांटेज है इसलिए इसके बारे में बताना चाहिए नेक्स्ट चलते हैं इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट सो अभी एन ने कमीशन किया है एक हंड्रेड मेगावाट का सो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट तो ये एन रामागुंडम ये तेलंगाना के अंदर है तो यहाँ पे ये लॉन्च किया गया सो so इतना ही इसके बारे में जानने लायक है बाकी इट्स नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इलेक्ट्रिसिटी रूल्स तो ये है इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2022 तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये नोटिफाई किए हैं रूल्स अब इसके अंदर कुछ हाईलाइट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पहला हाईलाइट है ये जो कंज्यूमर्स हैं दे आर एंटाइटल टू डिमांड सप्लाई ऑफ ग्रीन पावर फ्रॉम द डिस्कॉम्स यानी डिस्कॉम से हम लोग मांग सकते हैं कि हमें ग्रीन पावर दो यानी ग्रीन एनर्जी यानी ऐसी एनर्जी जो किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है चाहे फिर वो सोलर हो सकता है वो, वो विंड हो सकता है या और कोई प्रोजेक्ट जैसे ओशन थर्मल वगैरह हो सकता है ठीक है तो हम मांग सकते हैं उनसे कि हमें ये वाली ग्रीन एनर्जी चाहिए अब ये जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान जाके फिर मांगने लग जाएगा कि हमें ग्रीन पावर दो ये जनरली जो बड़े कंज्यूमर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का जिनका लोड जो है वो हंड्रेड किलो के आसपास है जनरली हमारे हाउस होल्ड का सिक्स टू सेवन किलो होता है तो यहाँ पे 100 किलो वॉट जिसका होगा तो आप समझ ही सकते हो बड़े इंस्टीट्यूट हो गए वही जाके ये डिमांड रख सकते हैं तो यहाँ पे जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है दे आर अलाउड टू परचेज ग्रीन पावर ऑन वॉलेंट्री बेसिस अब ये कहाँ से कर सकते हैं तो ये ग्रीन ओपन एक्सेस ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके जा ऊपर जाके ये कंज्यूमर जो है डिमांड कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी की अब इससे फायदा क्या होगा जो स्मॉल कंज्यूमर्स थे पहले ये जो लिमिट थी ये वन मेगावाट की थी अब इसको रिड्यूस करके हंड्रेड किलो कर दिया गया तो ये पता होना चाहिए नेक्स्ट इससे जो स्मॉल कंज्यूमर्स है वो भी परचेज़ कर पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ओपन एक्सेस अब ये जो ओपन एक्सेस है इसका अप्रूवल पंद्रह दिन के अंदर मिल जाएगा अगर नहीं मिलता कोई परमिशन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि अप्रूवल मिल चुका है आपको तो याद रखना ये ओपन एक्सेस एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बनाया है इसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेंगे अगर वो कंज्यूम करते हैं ग्रीन पावर तो ये चीज़ इसमें याद रखना इसके अलावा कोई भी क्रॉस सब्सिडी या सरचार्ज या एडिशनल सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसे कंज्यूमर्स पे जो कि ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस करे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट रिलेटेड न्यूज में जो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल है उसके बारे में जान लेते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म जिसपे जो कंज्यूमर्स है वो आकर अप्लाई कर सकते हैं कि वो ग्रीन एनर्जी के लिए एक्सेस ले सकें उसके लिए ठीक है तो याद रखना कोई भी ऐसा कंज्यूमर जो 100 किलो से ज़्यादा का अगर पावर यूज़ करे तो दे आर ओनली एलिजिबल फॉर दिस स्कीम ओके आगे चलते हैं अदर रिलेटेड एनर्जी रिसोर्सिस पे तो पहला है कोल बेड मिथेन सी बी एम तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक पॉलिसी uh, गाइडलाइन जारी किया है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ डी कोल्ड लैंड डी कोल्ड लैंड मतलब ऐसी साइट जहाँ से कोल माइनिंग हो चुकी है अब वहाँ पर कोई कोल बचा नहीं है तो उन साइट्स के ऊपर आप सेटअप कर सकते हो थर्मल रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट कोल बेड मिथेन एक्सट्रैक्शन यूनिट्स अब ये कोल बेड मिथेन क्या है ये बेसिकली एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है तो बहुत सारी मिथेन गैस जो है जो को कोल सीम्स होती है यानी जो कोल डिपॉजिट्स होते हैं उनके जो बीच में दरारें होती हैं उसके बीच में ये मिथेन जो है डिपॉजिट रहती है और ये फॉर्म कैसे होती ये जो कोलिफिकेशन का प्रोसेस होता है यानी जैसे जैसे कोल बन रहा होता है उसी के साथ साथ ये मिथेन गैस भी बनती है लेकिन ये उन कोल ब्लॉक्स जो है उनके अंदर दब के रह जाती है ठीक है इसलिए बाहर नहीं निकल पाती है इसीलिए हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं इसके अंदर तो इसे निकालते कैसे यहाँ पे जो कोल और जो मीथेन है इसके अंदर हम सेचूरेटेड वाटर जो थोड़ा सा हीटेड होता है उसको सप्लाई करते हैं और उसके साथ ही हम लोग प्रेशर से उसे इंजेक्ट करते हैं और फिर ये प्रेशर से वापस पानी जब बाहर आता है तो इसमें से हम वाटर और मीथेन को अलग अलग कर लेते हैं सो दैट्स हाउ द कोल्ड बेड मीथेन इज जनरेटेड अब इसका यूज़ कहाँ हो सकता है क्योंकि मीथेन जो है वो डायरेक्टली कम्बस्टेबल गैस है तो हम पावर जनरेशन कर सकते हैं सी बना सकते हैं इंडस्ट्रियल यूज में लगा सकते हैं लाइक फर्टिलाइजर एक्सेट्रा सीमेंट स्टील प्लांट्स एक्सेट्रा इन सब में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है इन्होंने कोल बैड मिथेन की जो पॉलिसी है ये बेसिकली जो ऑयल फील्ड एक्ट है 1984 uh, 1948 का उसके अंडर लेके आए थे के अलावा जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स जो है 1959 उसके अंदर बेसिकली गिवन है कि हम कोल बेड मिथिन को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं तो पहले क्या होता था कोल बेड मिथिन का अगर एक्सप्लोरेशन भी करना है ना तो उसके लिए अलग से लाइसेंसेज लगता था जैसे तो एक हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस प्रोस्पेक्टिंग मतलब कि आप जाके ढूंढने का लाइसेंस है कि आप ढूंढोगे अगर मिल गया तो मिल गया अदरवाइज नहीं मिला ठीक है और अगर मिल गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता था माइनिंग माइनिंग और प्रोस्पेक्टिंग के लाइसेंस पहले अलग अलग मिलते थे लेकिन आप इन दोनों को क्लब कर दिया है कि आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हो यानी ढूंढ भी सकते हो और अगर ढूंढने पे मिल गया आपको तो उसकी माइनिंग भी कर सकते हो तो अब यूनिफॉर्म लाइसेंस मिलता है दोनों के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जियो एनर्जी तो अभी ओ ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने पहला एक ड्रिलिंग चालू किया है और जियो एनर्जी अब ये जियो एनर्जी कहाँ किया है पूगा के अंदर पूगा जो है ये लद्दाख के अंदर पड़ता है और इससे ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे इस जियो से अब जियो जो है ये तीन तरह के होते हैं एक है ड्राई स्टीम एक है फ्लैश स्टीम और एक है बाइनरी साइकिल तो ड्राई स्टीम में आप बेसिकली क्या कर रहे हो जो स्टीम है सीधा उसको उठा रहे हो और उससे टर्बाइन को रन कर रहे हो सो दिस इज ड्राई स्टीम फ्लैश स्टीम में आप क्या करो आप जो प्रेशराइज हाई प्रेशर के ऊपर हॉट वाटर डाल रहे हो और उस हॉट वाटर जो आ रहा है वापस बाहर जियो थर्मल से उससे फिर आप स्टीम बना रहे हो ठीक है यानी यहाँ पे स्टीम जो है वो सेकेंड प्रोडक्ट है और फिर उससे आप टर्बाइन रन कर रहे हो और फिर थर्ड जो है इसमें बाइनरी साइकिल तो इसमें हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं जो बायो जियो जो हीट है जो हॉट वाटर है उससे हम किसी दूसरे लिक्विड के अंदर हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर उसको स्टीम बना के रन कर रहे हैं तो डीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ जियो थर्मल पावर प्लांट्स अब वापस आते हैं इस टॉपिक पे तो जियो थर्मल प्लांट जो होते हैं वो यूज करते हैं हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज जहाँ पे वाटर और हीट का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे या तो हॉट वाटर आता है या फिर स्टीम आता है और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एडवांटेजेस आप जानते हो आई डोंट थिंक यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए इंडिया में और कहाँ कहाँ जियो एनर्जी के सोर्सेज हैं तो ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने थ्री हंड्रेड जियो थर्मल हॉट स्प्रिंग ढूंढ के निकाले हैं इंडिया में जिनमें से है चुमाथांग इन लद्दाख कैम्बे इन गुजरात थता इन छत्तीसगढ़ हमाम इन तेलंगाना एंड रत्नागिरी इन महाराष्ट्र अपार्ट फ्रॉम पूगा इन लद्दाख जो हम लोगों ने पहले ही देख लिया प्लेसिस याद रखना ये हॉट स्प्रिंग से रिलेटेड है आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट इज बायोमास को फायरिंग सो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक मिशन कॉल है समर्थ मिशन अभी समर्थ मिशन का बेसिक मतलब है नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास इन द कोल्ड बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स बेसिकली हम लोग को फायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे को फायरिंग मतलब आप जो है बायोमास को यूज़ कर रहे हो अलॉन्ग विद द कोल इन पावर प्लांट्स तो कोल्स तो है ही जिसको हम बर्न करके हीट करते हैं बॉयलर्स को पावर प्लांट्स के अंदर उसके साथ हम लोग जो है बायोमास जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा पैलेट्स या जो ब्रिकेट्स हम लोगों ने देखा था उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं पैलेटाइजेशन टोरीफेक्शन ठीक है तो हम लोग छोटे छोटे इससे ब्रिकेट्स बना लेते हैं बायोमास के और ये बायोमास क्या होता है ये जो स्टबल बच गया ठीक है जो वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट है जो फार्मर्स पैलेट जला देते थे और उससे पॉल्यूशन होता था तो हम क्या कर सकते हैं स्टबल से ये पैलेट्स बना सकते हैं और पैलेट्स को फिर को फायरिंग में लगा सकते हैं और इससे जो है फार्मर्स को भी एडवांटेज होगा क्योंकि उन्हें अब डायरेक्टली बर्न करने की ज़रूरत नहीं है अपना जो स्टबल है और उस स्टबल के बदले उन्हें पैसे मिल जाएंगे ठीक है दिस इज़ बायोमास को फायरिंग और ये मिशन जो है ये समर्थ मिशन लॉन्च किया है इसका एम है कि हम जो बायोमास का यूसेज है हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर उसको बढ़ाएं नहीं है लायक इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ग्रीन मिथेनॉल सो अभी एनटीपीसी और एसिनमॉन्ट जो इटली बेस्ड एक कंपनी है उन्होंने साइन किया ऑन ग्रीन ग्रीन प्रोडक्शन तो बेसिकली को प्रोड्यूस ऐसे प्रोसेस से जो एमिट करता है जीरो या मिनिमल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो इसमें इससे ज्यादा कुछ जाने लायक नहीं है बस ऑर्गेनिक सोर्सेज से प्रोड्यूस करें और इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो जीरो हो रहा है बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें नेक्स्ट चलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस सी बी जी तभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने इनाग्रेट किया एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन संगरूर पंजाब तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे है अब ये जो सी बी जी है ये बेसिकली कंप्रेस्ड और प्योरीफाइड बायोगैस है जो हम वेस्ट या बायो सोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि बायोगैस प्लांट हो गया उससे प्रोड्यूस हो गया तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने टू थाउजेंड के अंदर ही लॉन्च कर रखा है एक स्कीम विच इज़ नोन एज सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत स्कीम के अंदर हम लोग ये कंप्रेस जो बायोगैस प्रोडक्शन इकोसिस्टम है इसको बढ़ावा दे रहा है ताकि इंडिया के अक्रॉस ऐसे जो कंप्रेस बायोगैस है ये बढ़ जाए और इससे जो यूसेज है इन इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का वो भी बढ़ जाए ठीक है तो यही चीज़ हमें याद रखने लायक है आगे चलते हैं नेक्स्ट है इसमें वर्ल्ड फर्स्ट कंप्रेस नेचुरल गैस टर्मिनल सो अभी पी एम ने ले डाउन किया है फाउंडेशन स्टोन फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट ए एन जी टर्मिनल और द ब्राउनफील्ड पोर्ट एट भावनगर गुजरात अब ये पी 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 पार्टनरशिप से बना है इससे ज़्यादा इसमें जाने लायक कुछ इम्पोर्ट नहीं है आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल ऑफ श्योर विंड अलायंस अभी नाइन कंट्रीज ने इसके अंदर ज्वाइन किया इसलिए ये न्यूज़ में है इसको इनिशिएट किसने किया है तो आई इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं हेडक्वार्टर जो है इसका यू ए के अंदर है और डेनमार्क और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल मिलकर इसको रन कर रहे हैं इंडिया ऑलरेडी इस अलायंस का मेंबर है सो so ये पता होना चाहिए और ये गवर्नमेंट्स और जो, जो जितने बाकी स्टेक होल्डर हैं विंड एनर्जी से रिलेटेड उन सबको साथ में लाता है ताकि हम ऑफ विंड का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सके ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कॉन्ट्रीब्यूट करें टू अचीविंग अ टोटल ऑफ विंड कैपेसिटी ऑफ मिनिमम थ्री एटी गेगावॉट बाई ट्वेंटी थर्टी याद रखना ये टारगेट है इसका वाई द ईयर ट्वेंटी थर्टी दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस पार्ट